हॉस्पिटल का खर्चा टोटल कितना, मुझे बता दे, घर में पैसे है, मैं दे देता हूँ। इन सब बातों की चिंता आप क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर साहब ने आपके डिस्चार्ज की सारी तैयारियाँ कर ली है। इन सब चीजों की टेंशन आप मत लीजिए, बस अपना ख्याल रखें। तुम दोनों ने मिलके पूरे परिवार को संभाल लिया, इसीलिए ना तुम्हारी मम्मी दोबारा आई और चांदी को तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो लोग आपके घर पे आने की तैयारियाँ कर रहे होंगे ना, और चांदी को तो मैंने ही कहा था कि यहाँ पे ना आए। डॉक्टर चिराग, डॉक्टर साहब, क्या हुआ? सिस्टर कब से आपसे कुछ पूछ रही है, क्या हुआ? आपको कहीं जाना है, कोई परेशानी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। पर तू क्यों परेशान लग रहा है, कुछ हुआ क्या? नहीं, मुझे क्या होना। देखा दी, आपको भी यही लग रहा है ना, मैं इनसे कह रही हूँ कोई परेशानी की बात है तो मुझे बताइए। पर दोस्तों, यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। पहली बार दीपिका अपनी सौतेली माँ का सामना करते हुए दिखाई देती है और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है। दीपिका का ये साहसिक रूप देखकर उसकी सौतेली माँ के होश उड़ जाते हैं और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। चिराग दीपिका के इस नए रूप से बेहद खुश होता है। वो हमेशा से चाहते थे कि दीपिका अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने लिए आवाज उठाए, और आज ठीक वैसा ही होते हुए दिखाई दे रहा है। दीपिका ने अपने दिल की सारी बातें अपनी सौतेली माँ के सामने रख दी है। दोस्तों, इस एपिसोड में हमें देखने को मिला कि कैसे दीपिका अपनी खुद की काबिलियत पर भरोसा करना शुरू कर चुकी है। उसने अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने पति के सम्मान के लिए भी खड़ा होना सीख लिया है, क्योंकि ये नया आत्मविश्वास दीपिका के आगे भी अपने लड़ाई लड़ने में मदद करेगा। क्या वो अपनी सौतेली माँ के आगे और भी मजबूत होकर खड़ी हो पाएगी, ये सब जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए दिल को तुमसे प्यार हुआ का अगला एपिसोड।